सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। संसार क्रांति न्यूज की देसी चुनावी यात्रा पहुंच गई है भादरगढ़ विधानसभा में। और इस टाइम जिस गेट का आगे मैं खड़ा हूं, नफे सिंह राठी का घर है, जो दो बार विधायक रहा है, पछीत है उसका घर की। और भाई रेड तो अपने चल रही है, पछीत मैं के रेड मारा हाँ, और कोशिश करेंगे अड़ता पहुँचाऊँ। एक बार देख भी लाख हाँ जी, कौन ही गाड़ी को खोल दो, कौन ही रेड ब्रेक कर दो। अच्छा पाछे घुमा पछीत मग रेड मार दे मगा आगे तो सारे ने बेरा पड़ जाएगा। हैं देखिया करो रेड रेड मारी, देखिया करो। हाँ देखिया करो, समझ गया रेड दे बोला रेड बराब रेड ने समझ गया इतने। हमें अच्छा आड़ कोई कौन खोल है, चलो मेरे गला भाई। जो मेरे पास जानकारी है, दो बार विधायक रहा है, 22 साल चेयरमैन ही रही है, एक दबंग नेता का रूप में पहचान है नफे सिंह राठी की। इन्हें लोग का कद्दावर नेता कैस कहाँ, और भादरगढ़ चंबल घाटी का नाम तो मशहूर रहा है। और नू भी सुन में है भाई आड़े जो अच्छे नामी ग्रामी बदमाश होया करते, उनका सफाई अभियान भी नेताजी ने कराया। और नू का ध्यान जो बड़े बदमाशा ने समझाया दे और उन्हें लाइन पर लिया दे, तो उस तो बड़ा कोई नहीं आ रहा। तो इनके बारे में भी है दबंग नेता का रूप में पहचान है, उरान को होगा। नफे सिंह राठी का मेन गेट उधर से है। अच्छा आ जाओ जल्दी भाई, कोशिश करी थी पछीत में जाके ओड़ो को अपन नेताजी के ऊपर रेड मारा, तड़का तड़का टेम है। ये है मकान मेरे ख्याल से, ये गाड़ी प्रचार खतर नहीं खड़ी दिख। आप ऊपर देखोगे इन एलो का झंडा है, जो चुनाव चिन्ह चश्मा है, ये नफे सिंह राठी का मकान है। ये भाग्य आग भाई आप रेड में मेरे गले बने रहो, स्वागत है सबका। आज खुला है दरबार है, राम राम जी। और ठीक हो नेता जी हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ। एक मिनट आवाज से आई भाई, आवाज से आई भाई, एक बार ऊपर। चलो कोई नहीं, राम राम, राम राम भाई, राम राम हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। मैं तो सोचू था माँ पाछे एक बार तो पछीत मजा रहता मैं, और तो गेट किसी ने खोल लिया नहीं, फिर माँ यू खुला है दरबार है, खुला है दरबार है, आओ नेता जी हैं, चलिए बैठे सारे बैठे आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने, राम राम जी, राम राम जी सारे ने, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो एक बार, सारे के सारे राम राम आ दो, विधायक जी राम राम। हाँ जी हाँ जी, और ठीक ठाक जी। हाँ जी इसलिए आपके सवाल तो बचकर ना भाजा, चिंता ना करो, ये तो हमारे सारे कार्यकर्ता है बहुत के बैठे, ये हर गांव से लोग सुबह आ जाए हैं, अलग अलग टाइम दे करके रिक्वेस्ट करके बुलावा हम निमंत्रण दिया जब आओ हैं। अच्छा, तो ये सारे कार्यकर्ता हैं, इनकी जो ड्यूटी हमारी रैली आ गई 25 तारीख की चोरी देवला जयंती की, उसके बारे में डिस्कशन था। आई बैठो एक बार आप, वो तो सारा रोड़ा कुर्सी का है, फिर सोफे इतने ला रखे हैं, सारे सोफे बिठा रखे हैं। लो जी एक बात है, गठबंधन को सुत्ता मजबूत कर रहे हो, मनु खोआ खोआ मिलाए बैठे सारे जी। ये हमारी पार्टी का आधार है ये जो है, सब ज्ञान लो जाएंगे, सरकार बना देंगे, पक्की बात है, पक्की। अच्छा बनेगी। अच्छा तो जी सुबह सुबह कैब जो रोज का रूटीन, सुबह सुबह 6 बजे से शुरू हो जाए रूटीन। अच्छा जी, और 6, 7, 8 तीन प्रोग्राम तो शहर के चला, एक एक घंटे के डिफरेंस पे, उसके बाद में फिर गांव, ये गांव से आए। अच्छा ये भी यार रेड पड़ रही है, आप तो एक तो गुड न्यूज़ दे दियो सारे, देखो मेरे रेड के प्रोग्राम, देखा करो रेड वाले,
नेताजी पर रेड पड़ रही है, अब कून में जाके जवाब दोगे मेरे सवाल ना के सबके बीच में दोगे? सबके बीच में दे दे, कून में क्यों जाएंगे हम? वाह जी वाह। मैंने जलेबी पर गैसी देर करेला पर के मीठे आऊंगे ये बताऊं जो छोरा खेत में गिर गया मुख्यमंत्री बन का हमारे भाजिया दा अच्छा ये तो कदे बना बन के दे वो अच्छा वो तो भाई बुढ़े आ गया तो बन का एमपी ये बन के दिखा दे बन के दे धोखा दे गया धोखा धोखा इतना ये खापा ही मानी ना दादा ही मानी ना बादल भी मानी ना गामा ही मानी ना खाप कितने जाओ फिर किसकी बुकाई मारे वो आप बस वो के कर्म फूट रहे हैं बीजेपी के बनना चाहिए हाँ नेताजी पे जलेबी बरगे सी देर करेला बरगे मिठे सवालात का सिलसिला जारी करा हम। नेताजी पहला सवाल यू है नू का है नेताजी ना अपना काम पर ध्यान को नहीं दूसरा का काम टांग अड़ाने का मतलब है बस कोई भी कुछ करता हो नभे सिंह राठी ने उड़े टांग अड़ानी अड़ानी टांग अड़ाने वाली पॉलिटिक्स का बताओगे? जब हमारी सरकार थी और मैं एमएलए बनाया था लोगों ने चौधरी देवीलाल जी की कृपा से चौटाला साहब की कृपा से तो हमने हमारी सरकार ने लोगों की भलाई के लिए काम किए थे। अच्छा। ये पहली हमारी सरकार रही है जिसने ड्रेनों में पानी डाल करके लगभग 2 दर्जन गांवों की खेतों की सिंचाई कराने का काम किया जहाँ खारा जहर पानी था जहाँ नहर का पानी नहीं आता था ट्यूबवेल का पानी खारी था। अच्छा। वहाँ हमने सिंचाई कराने का काम किया पूरे 5.5 साल तक इतने हमारी सरकार रही और हमारी सरकार के टाइम पर सबसे ज़्यादा नौजवान हरियाणा के नौकरी लगे थे। आज की सरकार के लोग कहते हैं नो पर्ची नो खर्ची। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई 80 एसडीओ की लिस्ट जारी हुई पिछले महीने में। अच्छा। 80 में से 2 है हरियाणा के। हरियाणा के 2 ही? हाँ 78 तो पटेल हर्ष हैं गुजरात के बार की बार। अच्छा। एक हमने लगभग 2 महीने पहले एक हमने RTI लगाई थी हरियाणा सरकार में कि भाई जो 18,000 आपने D4 की नौकरी लगाई थी उसमें एड्रेस बताओ कौन कितका था ग्रुप डी वाली में। अच्छा। आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि आज देश से ज्यादा लोग हरियाणा से बाहर के हैं इसलिए नौकरी कहाँ मिलेगी हमारे बच्चों को। अच्छा, अच्छा। आज सबसे ज्यादा समस्या है बेरोजगारी की कानून व्यवस्था की। हमारी सरकार आने से पहले बादोगढ़ के लोग जानते हैं शहर के लोग जानते हैं गाँव के लोग भी जानते हैं बादोगढ़ में चंबल घाटी के नाम से जाना जाता था एक इलाका बैड एलिमेंट्स किस्म के लोग। आप ताजू आप पूछो ना बाजारों में जाकर के हमारी सरकार आने से पहले 2 दर्जन दुकानों पर पुलिस बैठी थी लेकिन हफ्ता वसूली करते थे जबरदस्ती गोली मारने की धमकी देते थे सामान लेकर के पैसा ना देने की बात करते। हमारी सरकार आने के बाद में हमने सारे बदमाशों को बाधगढ़ से भगाने का काम किया। तो नहीं दूसरी पार्टी वाले थे जानते? देखो बात यह है हमारा काम करने का जो तरीका है ना गोतनाथ की राजनीति करते ना जात बिरादरी की करते ना धर्म मजहब की करते। हम जो काम है वो काम है। कोई भी बादगढ़ का आदमी अगर नफे सिंह के ऊपर चरित्र का आरोप लगा दे पैसे लेने का आरोप लगा दे या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो हाँ हमने उनके साथ सख्ती जरूर करी है जो लोगों को परेशान करते थे। अब इस सरकार के टाइम पे बीजेपी के नॉमिनेट पार्षद 100-100 करोड़ रुपए की जमीन घेरे हैं और उसको संरक्षण प्राप्त है नरेश कौशिक का और क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है क्या? आपने की दिक्कत है उनका भला हो रहेगा आपने की तकलीफ है आप मुकदमे की क्यों PhD करो? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को गिरवाने दें कब्जे होने दें? सरकारी जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी है अगर आज वो पब्लिक प्रॉपर्टी को गिर यहाँ संस्थाओं की जमीन पर कब्जे होने लग गए सब तो ज्यादा तकलीफ नफे सिंह राठी का हुआ है कोई भी क्यों गड़बड़ हो जाए सब तो ज्यादा तकलीफ आपका बने और भी नेता दूसरे पार्टी के जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो तो बोलते नहीं वो तो मिल रहे हैं इनसे बीजेपी वालों से। किसी दूसरी पार्टी के किसी भी नेता का बयान अगर आता हो तो बता दो किसी मामले में भी नहीं, ये तो मिल नहीं सकते कांग्रेस और बीजेपी तो मिल नहीं सकते जो अच्छा आप सुनो ताजुब की बात बताऊंगा आपको पता कर लो आप पूरे बादगढ़ पता पार्षद से मिलो आप पहले। अच्छा। ये हिंदुस्तान में पहला बादगढ़ का वाक्य है कि यहाँ 4% तो कांग्रेस की है। अच्छा। और उसको बचाने का काम बीजेपी का MLA कर रहा है बड़ी खबर बन गई है बहुत बड़ी करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। ताजुब करोगे हमारी सरकार के टाइम पे 7 लाख रुपए महीने का सफाई का खर्चा था 2,67,00,000 रुपए महीने का है नगर परिषद है। एक बार तमनू बताओ आड़े जो कर नेताजी कहाँ लग रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी मिलकर नगर परिषद चला रही इसमें कितनी सच्चाई है? आप मतलब बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है फिर कांग्रेस का गठबंधन है यहाँ इसलिए कांग्रेस के लोग बीजेपी के लोग जो गलत काम करते हैं यहाँ
आप ताजुब करोगे 100-100 करोड़ की जमीन घेरने वाले लोग बीजेपी के नॉमिनेट पार्षद हैं, और बीजेपी के नॉमिनेट पार्षद ने सफाई कर्मचारियों को पीटा बुरी तरह से। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 दिन तक सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल रखी, शहर नरक बन के रह गया, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबरदस्ती समझौता करा दिया गया। ऐसे ही बहादुरगढ़ के MLA ने थानेदार को अपनी जगह पे बुला करके पीटा गैलेक्सी होटल में, बुरी तरह से पीटा उसको, गोली मारने की धमकी दी, वर्दी फाड़ दी उसकी। उसने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई थानेदार ने। रात को 2 बजे IG आया, उस थानेदार का जबरदस्ती समझौते दस्तखत करा कर ट्रांसफर कर दिया। ये हालत है कानून व्यवस्था की। मेरे पास एक जानकारी हो रही है, नफे सिंह राठी को राज पसंद है, राज में चाहिए, मैं तो चेयरमैन नहीं हूँ, मेरे पे अर्चा विधायक की हो, इस बिना आपका जी नहीं लगता, मामला डर है भीतर। अब मैं बताऊँ आपको, सुनो, नफे सिंह राठी चौधरी देवीलाल का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है, और 4 PhD तक लगातार हम इनके साथ रहे हैं। एक बार उकझुक होकर अलग चुनाव लड़ना पड़ गया था। जहाँ तक बात राज की है, बैठ गए थे उस टाइम, कुछ भी होया, चलो हालात इस किस्म के हो गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जब थी, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, यहाँ बहादुरगढ़ के MLA उस टाइम पर लोकदल के हुआ करते, उस लोकदल के MLA ने अपना एक चेयरमैन बना रखा था, उसने भ्रष्टाचार फैला दिया, हमने उसके खिलाफ मोर्चा खोला, उसको हटाया और मैं चेयरमैन बनाया। उसके बाद हर सरकार में, वो तो हमारी सरकार थी, हर सरकार में, उसके बाद चौधरी भजनलाल की सरकार आई 1991 में, उसका चेयरमैन बने अशोक गुप्ता, उसने भ्रष्टाचार फैलाया, 8 महीने में 2/3 majority छूट को उसको हटा दिया हमने। अच्छा। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की बीजेपी की सरकार आई 98 में नगर परिषद के चुनाव हुए, 98 में चुनाव हुए तो वहाँ जो चेयरमैन का जो चुनाव था, पार्षद के जो चुनाव हुए, उस टाइम की सरकार के सारे MLA रामविलास शर्मा भी डोर टू डोर घूमे हैं बहादुरगढ़ में, उस टाइम पे मंत्री थे। अच्छा। हमने उस टाइम पे भी अपनी चेयरपर्सन बनाई थी ओमपति, नई जाति से संबंध रखती थी। अच्छा। जनरल सीट पे बनाने का काम किया था, सारा रोला चेयरमैन। रही बात अब की, अब भी हमारी पुत्र वधु टोस से आ रही है। अच्छा। इसलिए अगर शहर के लोग हमने प्यार ना करते हो तो फिर कैसे वोट मिले? ये केवल प्रोपगंडा करने के माहिर हैं, केवल झूठी अफवाह फैलाते हैं। हमने एक बात कह रखी है, हम सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, अगर हमारी 37 साल हो गए मुझे राजनीति करते हैं, 38वां साल चालू है, अगर एक भी आदमी, उसके परिवार का कोई भी सदस्य हमारे परिवार पर या मेरे पर पैसे लेने का आरोप लगा दे, चरित्र का आरोप लगा दे, या किसी के साथ बदतमीजी करी हो, किसी की जमीन दुकान मकान प्लाट घेरा हो, गिरवाया हो, तो हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। ना इन तक आओ, इनके रोज प्रूफ दूँ मैं अखबारों में टीवी में। तो जो प्रूफ आने लग रहे हैं, जो प्रूफ दे रहे हैं नेताजी, उनमें सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है, 101% सच है। अच्छा, हाई कोर्ट के आदेश से सरकार ने एक कमेटी बनानी पड़ी कि इसकी जांच कराओ घोटाले की, और ADC के अध्यक्षता में कमेटी बनी, ये अभी 6 महीने पहले की बात है, और वो 100 करोड़ से ज्यादा का जमीन का घोटाला है, रजिस्ट्री कहीं और की है, कहीं और का खसरा नंबर है, कब्जा सरकारी जमीन पर है। अच्छा। हमने जब ये शोर मचाया तो वर्तमान MLA का बयान आया अखबार में कि भाई और कोई नहीं बोलता, नफे सिंह के दर्द है। एक बात तो है, जुगरिया कहने लग रहे हैं भाई बीजेपी कांग्रेस मिलकर नगर परिषद में चला रहे हैं, विधायक है बीजेपी, लूट मचा रहे हैं, विरोध करने वाला कौन रहूगा फिर? नफे सिंह राठी विरोध करे है तो उनका नो जब तकलीफ बने हैं उनका, भाई नफे सिंह राठी का क्यों तकलीफ है? मैं कहूँ मुकदमे एक आधा हो जाए, किसी से पसीने आ जा रहे हैं, आप पर मुकदमे की बाढ़ आई रही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब भरे को नहीं मुकदमे कड़ी तो लिया सवाल है। मैं एक बात कहूँ, ये बुजुर्ग भी नौजवान साथी बैठे हैं, अगर सरकार के खिलाफ, अगर जनहित की बात को लेकर के सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो फिर सरकार हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराओगी। अच्छा। और आज तक जितने मुकदमे दर्ज कराए हैं सब मैं बरी हुआ हूँ, और इस सरकार ने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं, 2 मुकदमे दर्ज कराए, दोनों इन्होंने वापस लेने पड़े तफ्तीश में। अच्छा, कोई सच्चाई नहीं पाई, सच्चाई सामने कोई सच्चाई नहीं पाई। तो ये इस किस्म का डराने के लिए, ताकि नफे सिंह ना बोल रहे, तो डरने वाले तो हम आदमी हैं कौन है, हम तो केवल भगवान से डरते हैं या समाज से डरते हैं, बाकी डर और भय नाम की चीज नहीं। अगर सरकार गलत करेगी, सरकार के लोग गलत करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि भी हम अपोजिशन में रहते हुए अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो हम अपने फर्ज से कोताही करते हैं। रोज सुबह उठ दे, आप अखबार पढ़ो, नफे सिंह के खिलाफ, मेरे खिलाफ,
को मुकदमा तो दर्ज हो रहा है या तो अखबार में देखो। अब मुकदमे दर्ज कराते हैं ये लोग, लेकिन लेकिन डर नहीं, देखो पक इसलिए गए कि इन्होंने पका दिए। अच्छा, इन्होंने पका दिए। अब मारा बहम बाज गया, मेरे पास झूठे मुकदमा दर्ज करा के मैंने 100 करोड़ का मुद्दा जब उठाया तो उस बीजेपी का नॉमिनेट पार्षद है, वो जमीन का घोटाला कर रहा था, उसने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया। नभे सिंह राठी ने धमकी दी गोली मारने की। अच्छा। मेरे और मेरे परिवार को ये जमीन मेरे नाम करा देनी तो गोली मार देंगे। आज तक एक भी इस किस्म का काम 37-38 साल की राजनीति में ना मैंने किया ना हमारे परिवार ने कराया, एक बात। दूसरी बात, उसने मुकदमा दर्ज कराया था कि नभे सिंह को दबाया जा सके कि वो बोल लेना। मेरे पास SHO का फोन आया 5-4 दिन के बाद में, कहने लगे जी एंटीसिपेटरी बेल करा लो नहीं तो जमानत करानी पड़ेगी। अच्छा। मैं कहा SHO साहब या दुलीना की नई जेल बनी है, मैंने देखी ना, जब मैं कहा देख लूँगा, मैं दफ्तर में बैठे हूँ, आ जाओ गिरफ्तार कर लो। अच्छा। हम इस बात से नहीं डरते, सिर्फ इस बात से हमने शर्म आवा है कि कोई झूठे आरोप लगा हुआ है। कहना सच्ची आपने, हमने सच्ची, वो उसकी मर्जी है, नाराज होता है। टाटा का भी लग गया आप पे, टाटा 302 और 307 और 2559 पता नहीं कितने लाग लिए सरकार में, मुझे तबके लिकड़ लिए। हां बस वो तबके लिकड़ सारी धारा लाग ली, सारी धारा लाग ली, सारी धारा। तो वो तो ये जो सरकार, इससे बड़ी सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी 37 साल की राजनीति में, इससे बड़ी सरकार नहीं देखी। सबका साथ सबका विकास। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे, ये लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा भी 2300 करोड़ रुपए के विकास के कार्य बाधगढ़ में हुए हैं। अगर 2300 करोड़ ने 100-100 के नोटा की गड्डी बना करके ट्रक भरे ना। हाँ। तो 1 करोड़ में 2 बोरी भरे हैं, 46 बोरी पूरा है। हाँ हाँ ऐसा। अच्छा हाँ, सुनो मेरी बात है, बूढ़े मारे बूढ़ा ने सिखा रखा है कि भाई पेशाब का हिसाब का पक्का रहना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए तो 46 बोरी भरी नोटा की, 4600 बोरी 46 ट्रक आई। हम ट्रांसपोर्टर भी रहे हैं, खेती वाले भी हैं, हमने प्याज भी डो रखे हैं। ट्रक में क्यों कर दो बोरी, 46 ट्रक मैं बोरी भरी ना, 100-100 के नोट आड़े तो टिकरी बॉर्डर तक लाग जाओ सड़क पे बिछाउन। पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा, खत्म नहीं हुए होंगे। कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई कॉलेज बनया हो, कोई स्कूल बनया हो, कोई बाईपास बनया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनया हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनया हो, कोई स्टेडियम बनया हो बाधगढ़ में इस सरकार के टाइम पे, बताओ तो सही। मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री जब बने 1999 में, चौरी बंसीलाल की सरकार टूट गए, उस टाइम पे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री साहब सिंह खुराना। साहब सिंह खुराना जी का चौटाला साहब का दिल्ली में मीटिंग हुई थी, मदन लाल खुराना जी का चौटाला साहब की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और ये बात हुई थी कि भाई दिल्ली में मेट्रो का विस्तार होने के बाद NCR में भी मेट्रो का विस्तार होगा। अच्छा। ये रिकॉर्ड की बात है, गलत बात कभी गलत बयान ही नहीं करते हम। अच्छा। तो ये सबसे पहले गुड़गांव एक नंबर पर, 1 नंबर फेस। अच्छा। दूसरे फेस में फरीदाबाद, तीसरे में भादरगढ़, चौथे में सोनीपत। ये हो गया था, प्लानिंग बन की थी, ये पास हो गया था, उसके बाद में मेट्रो का काम शुरू हो गया हमारे गुड़गांव में। हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, उसने उस प्लानिंग को आगे बढ़ाया, बादोगढ़ में भी उस प्लानिंग को आगे बढ़ाया, और पिछली सरकार के टाइम पर ही सारे, क्योंकि शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बादोगढ़ की मेट्रो लाइन के लिए ग्रांट देने से मंजूर कर दिया था, नामंजूर कर दिया कि हम नहीं देंगे ग्रांट। तो हरियाणा सरकार ने मुड़का से लेकर के बादोगढ़ तक की ग्रांट जमा कराई थी जब ये मेट्रो का काम हुआ था, उद्घाटन इन्होंने कर दिया, अब ये कहे मेट्रो हमने ला दी। गलत, ये गलत बात करते। जो KMP है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, 1 दिसंबर 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आधारशिला रखी थी, और उसका टारगेट था कि 2009 से पहले पहले बनना है, क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ के गेम थे दिल्ली में, उससे पहले बनना था, लेकिन पिछली सरकार के टाइम पे काम अधूरा रह गया, और काफ़ी अधूरा रह गया। हाँ ये ठीक है, मानेसर से कुंडली, मानेसर से और ये पलवल तक का बन गया था, बाकी काम पे बाकी 50% काम मुश्किल थे उपाय, तो वो काम जल्दबाजी में सरे लेने के लिए उन्होंने कर दिया। आप जाकर देख रहे हो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पर, आप भी पुल के तड़े खड़े जा रहे हो तक, रोड के जो पुल है ना गट्टे दिखे से ऊपर, ये बैठे वो जो लोग ये बैठे हैं हमारे खेता में गजा रहे मान उठिया सो देखे। देखो अब संजय दलाल आपके साथ था, क्या अपन दिया था आपने एक हफ्ते टाइम, मैं देख रहा टीवी। अच्छा, अच्छा दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो गमा गमी शुरू हो गई है नेताजी, डमडमा शुरू हो गया, इलेक्शन आगे कसूती खींच बन रही सबकी,
कोई तो कट कॉपी पेस्ट की भी राजनीति चल रही, कोई कतौड़ी लागे जाएगा, कोई कतौड़ी लागे। आप पक्के ही ना लोगे हो कुछ बीच में बितर-तर तो लेकर। जब मैंने यू कह दिया कि 37 साल की राजनीति में एक बार चूक हुई थी और वो कोई मजबूरी थी, वह बात खत्म हुई, ये सारा इन लोग परिवार ही बैठे है यहाँ। अब और सुनो मेरी बात, आप पूरे बादल के डलके में घूमो, जब आप पूछना कि हमने जितना काम कराया था कोई सरकार नहीं करा पाई, कोई एमएलए नहीं करा पाया। दूसरी बात, ये जो विधायक है ये विधायक सबसे ज्यादा महाभ्रष्ट है, हरियाणा का महाभ्रष्ट से विधायक है ये। आप मोदी जी का इलेक्शन हो लिया, अब तो एमएलए ने वोट देख वोट देंगे लोग, एमएलए ने देख के देंगे ना, वो तो मोदी जी का हो लिया इलेक्शन, मोदी को बना दिया लोगों ने, अब तो न्यू देखेंगे एमएलए की कारगुजारी के खट्टर की क्या कारगुजारी। अच्छा आपने देखा नहीं के फरसा लेकर गर्दन काट दी तेरी, कह सक नहीं फिर काटी देखो नहीं। मेरे तो बुझो, मेरे तो बुझो, जिस तरह आ रहा गे विधायक जी तो पूछ लोगे कोई बात हम कहा थे, उस तरह न्यू पूछ लो इसके माध्यम से। रात न नरेश कौशिक रात ना नारायण मोरी मूनता क्यों अंडार भाई मिल लेंगे, ये काम हो खुद जाके खाट काल के बैठ के हेड पे मांडा उठिया सौदा और जाके खुलवाऊ में सा। भेदभाव करे, भेदभाव क्यों, जमींदार के टीटी में पांदर दिया जो पानी खेत का रहा सरकार में गुठा दे दिया रेंद्र इनका गुठे का ठेत कड़ा, बाकी बात है कती नराय सौदा बेकार। हमारे गांव में गेहूं आ रही छुट्टी में हालत पानी नहीं था सदी में, पानी अच्छा था नहरा का, ये चौकुदी का गांव ना टूडार गेहूं हमारे गांव में ले आ दे मंडी में जा दे हमारे गेहूं ये ले लिया दे तब देवर चुटाना पक्ष है इन काम आ गए गेहूं इतने बेकम मंडिया में मेरे गेहूं मंडी उन गए और मैं इलाका सौदा दिया चौटाला ने मुख्यमंत्री के छो छो में लकड़ की होगी और क्या बात थी रही के बिना छो के एक मिनट फिर से विधायक बने पक्ष सारी बदलो में पानी चढ़ने मारे जो वो यो तो पत्रों में भी चला दिया करते हुए नहरा ने मोरी ने बंद करने लग रहे जो लोगों का आई देख उनका कैलाश नंबर दो आसो दे दे लवा रेडी बैठे सारे तुम हां भरे कति नाक ताई आसो दे दे दसोर खड़ी लवा रेडी सड़क एक रास्ता था गांव ने चंदा करके माटी करवा दी विधायक दो आ गए विधायक जी माटी तो हमने घेर दी इन्हें पक्की करवा दो ने बोला मेरे तो बुझ के घेरी थी अगर नहीं कही हो तो चलो मैं चलूंगा उस दूर ये इसके नंबर दो प्राइमरी स्कूल चौटाला साहब के टाइम में उसकी रिपेयर हुई थी तीन कमरे हैं बाप चल के देख लो कड़ी टूट रही होंगी प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चे का सुनो तो सही आए विधायक जी बालक दब के मरेंगे एक बार संभाल लो तो कम करवा दो उनका कमरे का ने बोला ये बताई ना दब के मरे ही मरेंगे इस बात नाटते हो तो मैं चालू कर लो। अच्छा मुख्यमंत्री जी पता लकड़ गए थे चलो ये जो सुनो हम इस पर राजनीति क्यों करो मुख्यमंत्री जी पता लकड़ गए थे चलो नहीं मुख्यमंत्री जी पे छो छो में लकड़ गए थे चलो क्या मुख्यमंत्री अब देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं माननीय खट्टर साहब कदे मेंबर पंचायत नहीं बने कदे नगर परिषद का भी पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ा ये मुख्यमंत्री बन गए लेकिन तजर्बा तो कोई ना अधिकारी चला रहे सारी सरकार ने ये कहे हैं कि नो पर्ची नो खर्ची हम कहा एक भी टेस्ट जो नौकरी के नाम का लिया गया है अगर बगैर पेपर लीक दिए हुए कोई पेपर हो गए तो बता दो आप समझे होनी नो पर्ची मतलब नोवा की पर्ची नोवा के खर्चे और नोवा का खर्चा भी तो सुनो आप ये जो जिम्मेवार आदमी मैं नहीं कह रहा मैं सुनो सुनो एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ सुनो ये आप आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ ये जिम्मेवार आदमी है इलाके के ये चौधरी महेंद्र सिंह दलाल हैं पहले सरपंच रहे आसोदा गांव के बड़ा गांव हमारा ये भी आसोदा गांव के उसके बाद सरपंच रहे हैं एक सरपंच है पंडित अतर सिंह शर्मा ये सारे जिम्मेवार लोग बैठे हैं और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना इनमें दम है न्यू कोने के कम होके देंगे ये और वो भाई बाउंसर क्यों बिठा रखे आपने के भाई बाउंसर कोने पहलवान है सुनो हमारे इलाके में सबसे ज्यादा पहलवान है और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे इलाके के पहलवान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि ओलंपिक में विदेशों में गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। पहलवानी आपने भी करी है? पहलवानी मैंने भी करी है और मैं तीन अलग अलग यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहा हूँ। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कोटे में नेवी में चला गया था नेवी में रहा हूँ मैं उसके बाद फिर समाज सेवा में आ गया चौधरी देवलाल जी से जुड़ गए थे हम। तो मेरे कहने का मतलब जो डेवलपमेंट की बात करते हैं मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई
इतना बड़ा भ्रष्टाचार 2300 करोड़ रुपए कहाँ लग गए? आप जाओ एक बार बादली रोड पे ऑटो मार्केट का निर्माण हुआ है, सड़क बनी है ऑटो मार्केट की, आथा तो पाड़ ले उस सड़क ने, कोई ऊपर को नहीं आगे विरोध ना करो। इस किस्म का ना काम हमने कदे करया और ना हम करा, ना आया था कोई ऊपर, ना हमारे बाहर ही नहीं सकता ना, हम इस किस्म के आदमी कौन है ना, जिद्दी अट्ठी की बात नहीं है। अगर हम भी कांग्रेस वाले की तरिया मिलकर चलना बीजेपी तय तो फिर जनता की आवाज कौन उठाओगा? ये सरकारी जमीन पर कब्जे करे, सरकारी जमीन सरकार की है लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके बाद संस्थाओं की जमीन पर कब्जे कर रहे हैं, ये अधिकारियों को कर्मचारियों को पीटते हैं, कौन बोलेगा फिर इनके खिलाफ? इनके खिलाफ बोलता है नफी सिंह और ये हमारे साथी बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। नेता जी मैं एक मिनट रुको जी, सारी बांफ आज आप काट दोगे, फिर आगे भी पूछना, आप धीरे धीरे पूछेंगे, मन तो बेरा बढ़िया, आप तो भरे बैठे हो जो मैं कसूते डाल। मैं नहीं भर रहा ये बादगड़ी की जनता भर रही है सरकार से, मैं नहीं भर रहा, वो मोदी जी की वोट मोदी को दे दी, आप लोग ये सोच के वोट देंगे इसे मिली की कारगुजारी की है। आप ताजुब करोगे, हमारे यहाँ 17-18 हजार गाड़ियां होती थी, ट्रक और टेम्पू, और हजारों परिवार उनके साथ कमा खा रहे थे, वे लोग ले रहे थे गाड़ी, वे लड़के ले रहे थे जो बेरोजगार थे, वे बेचारे गाड़ी घोड़े का लोन लेकर के बैंकों से अपनी जमीन गिरवी धरके गाड़ी ले रहे थे। हमारी सरकार के टाइम पे एक भी गाड़ी यूनियन से बाहर की नहीं भरी गई, उनका काम चला करता। आप यूनियन वालों से जाकर पूछो ना एक बार, यूनियन वालों से पूछो क्या काम रह गया, टाटा 407 यूनियन है वहां अस्पताल के सामने, हमारे टाइम पे 150-150 गाड़ी रोज जाया करती, अब 10 और 15-20 नहीं जाती, आधी से ज्यादा गाड़ी लोगों ने मजबूरी में बेचनी पड़ी, भूखे मार दिए। पकड़ हटाना ले। अच्छा सुनो नेता जी, पिछली बार 25 सितंबर ने सम्मान दिवस बदल गया था अपमान दिवस में, क्योंकि रोड़ा राड़ छिड़ गया, पैटम होगी कुंभा में, ई लोग 25 तारीख लोग लग रही है, नहीं 2 तारीख बढ़ गई, सुनो बात तो ठीक है, नहीं रोड़ा राट मैच गया कुंभा में पैटम होगी, देवीलाल का अपमान दिवस बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, नहीं रोड़ा राट हो गया कुंभा में पैटम होगी, चाहे मानस मर जाओ पर अपमान दिवस नहीं मानते मुझको। तो ईव 2 तारीख बनगी, नू का एक आध नू का पुराने बड़े बुजुर्ग बोले मेरे पे बोले यू काम नहीं बने, नहीं मेरा नाम बदल दियो, तारीख बदल दी, एक 22-25 आपके पास एक मौका का परमिट है लाल का अपमान दे उसे। मैं नहीं कह रहा ये लोग कह रहे हैं ताऊ जी, मैं नहीं कह रहा लोग कह रहे हैं, लोग ही बात ऐसा है, चलो इनके पास कोई आदमी आ जाए कह दे तो कुल मिला के कुल मिला के जो सुनो मेरे सवाल का जवाब देने तुमने जवाब देंगे कोई। हाँ 22 तारीख है, एक 22 तारीख एक 25 तारीख है, उसका जवाब मैं दूंगा। देखो वे बालक बैकाई में आ गए और बैकाई में आकर के उन्होंने ये कदम उठा लिया। अब हरियाणा की जनता भली बाती समझ गई कि भैयो षड्यंत्र क्या है। 25 तारीख है चौधरी देवलाल जी की जयंती और 25 तारीख की रैली हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने रखी है कैथल में। आप कैथल में नजदीक पड़े हैं आपके, तो मेरे ख्याल में जींद रहते हो गए आप, हैं नजदीक पड़े है एक घंटे की दूरी, आप वहाँ कैथल में जाके देखियो रैली नहीं रैला होगा बहुत बड़ा। आज रैली की तैयारी में तो आए रहे थे ये लोग सारे, हाँ रैली की तैयारी के लिए बैठे थे, एक नंबर के पठान थे आए, जिस पठान थे आए ये तो खानदानी सौदा हमारा, दुष्यंत और ने बुला रहे हो क्या था लगना रहे हमारा उन्होंने बुलावा दुष्यंत और ने की बात है बुला लो। देखो उनकी रैली 22 तारीख की है, हमारी 25 की है, उन्होंने 1 करोड़ की प्रयास भी है खपत द्वारा, जी ने बता नहीं दी सुन ली आपकी कड़ा मानना का, अपने दादा की रखी ना, बाप की रखी ना, अपने परदादा की रखी ना, समाज की रखी ना, वो क्या मानना का आपने? उसने रखी नहीं के रखी, उसने तो किसी उसने रखी है नन्ना नन्ना की रखी, तो रखी है खोल ली उसने, मायावती भी रखी पर इसने इज्जत का नहीं पता। चौधरी देवलाल ने सारे दुनिया के बुढ़े का सम्मान कराया, पाथरगढ़ में बैठे पूरी सुन ले, सारे देश का दुनिया के बुजुर्गों का सम्मान चौधरी देवलाल ने कराया, करे ना, इसने उसी देवीलाल का अपमान करा, उसी ओम प्रकाश चौटाला का, जो अपने बाप दादा सगे का अपमान कर लेगा
कर देगा, वो मेरे दादा का सम्मान करेगा, अभी जनता के दादा बात आई समझ में। याद जानते कह रहा था आप कह रहे हो नहीं अपमान करा, तो लोग कह रहे हैं भाई अपमान दिवस में बदल गया। अपमान दिवस वो नहीं था। आम का पेड़ कितना मीठा हो है, कितना मीठा फल हो है, और उस तला आखा जाम है, यो आख जाम रहे हम तला दुष्यंत कर ले नोट। तो बहादुरगढ़ की जय आप बात करें, बहादुरगढ़ में क्या रहा के साहब, हूं तो सारे अपनी लाशी में कोई खट नहीं बता रहा। आप सुनो, मैं एक के बात कहूंगा आपसे, और दूसरी बात तो ना पूछियो पब्लिक तय, आप न्यू पूछियो कि भाई बहादुरगढ़, क्योंकि आदमी देख के वोट देंगे ना लोग, उन तो न्यू बजे आदमी देख के वोट दोगे तो नफे सिंह और इनकी तुलना कर दो जो उम्मीदवार हैं, उनमें तो कौन सा बढ़िया है, और जो बढ़िया लगे उन्हें दे दो बस। नेताजी के बारे में जी सुनोगे भी बूटी तुम्हारी घर से, और वो खींच जाएंगी वो हमको ना कितने राजे कितने हमारी घर से वे। सुनो जी, हम तो आ जाएंगे इस पार्टी के, तो खास कर कितने बुला ले, पर हो रहेंगे हिम्मत नहीं छोड़ेंगे ये। ट्रैक्टर पर 23,000 जुर्माना, हेलमेट ना 25,000 रुपये जुर्माना, के करना रोड पर कौन चढ़ेगा, इनका साइकिल डरते आ जाए कोई, पर हम आवा है मेरा लेन, उनके बस की बात नहीं है। मेरे गलत उनका रॉन्ग नंबर लग गया था, तीनों पर कार्रवाई हुई, पूरे दिन के चलान रद्द हुई घना, मतलब अपने हरियाणवी का डंका बच गया, और क्या चीज़ ये बात आप, आप, जी, आपका चलान तरद हो गया, हमारा कौन करेगा रद्द, पब्लिक का कौन करेगा रद्द, आपकी चल रही जान तोड़ा गया भाई, और कह दिया ना ये जो आपने कह दिया, ये बात कर रहा डरपोक आदमी, हम डरते नहीं, मारे तो मिलाओ नंबर देखी, देखूंगा गिरफ्तार कर ले, हम तो पहलवान खुली छुट्टी देने वाला, जब ये सारे खुली छुट्टी गए थे गलत स्टेशन पकड़ेगा, तो पहलवान जो राजनीतिक दंगल है इसमें कौन जीतेगा, नफे सिंह राठी जीतेगा, नाम में फीलिंग है, नफा टोटल वाली बात नहीं, नफा नफे में नफे नाम है, नफे में है सीधी गौरी बतला, डबल महिलाएं भी इनके साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ हमारा महिला का प्रोग्राम होया था, रिकॉर्डिंग होगी, वो निकलवा कर देख लो। आज कड़ा कड़ा जाने की तैयारी नेताजी, लोग न्यू कहे पेंडा छुटवा दो, इनका सही आते है न्यू कहे लोग, हाँ पेंडा छुटवा दो, छुटवा दो सरकार ते, इन्हें तो लोग ही बुलाउना रहते, कितने बैठे सारे बुलाउनिया है, पेंडा छुटाउनिया को ना, चलो जी सरकार ते पेंडा छुटाना, उसके पास 10 आदमी 10 भाई इकट्ठे होकर जाते हुए भी डर लग रहे हैं, और जब राठी साहब थे तो खुले धड़ाके दफ्तर में घर पे खुला दरबार, कोई अस्कताट नहीं थी, और अब पहली बात तो यह है ऑफिस में नहीं बढ़ने देता, वो तो लगा भाई बाहर अभी टाइम नहीं है। चलो ये क्योंकि राजनीतिक माहौल शुरू हो रहा है, डमडमा शुरू हो रहा है, गहमा गहमी शुरू हो रही है, कसूती उठापटक मैच रही है, और नू कैस को राजनीतिक महाभारत में, इस राजनीतिक दंगल में कौन जीतेगा, किसका लठगड़ेगा और किसका तंबू पटेगा, और ये तो नू कहने लग रहे नफे सिंह राठी का लठगड़ेगा। दूसरी बात यह है, चुनाव नजदीक है, जुगर जुगर इलेक्शन लेवल आ गए, काउंट डाउन शुरू होगा, और बेरा पटेगा कौन कितना पानी में है, मर गए बने रही हो, और देसी रेट तक किसी ने मेरी बातों का बुरा लग गया तो बुरा मान जियो, बुरा मान जियो। तो रवि न्यू आ रहे हैं जी, हमारा पंडा छुटाओ, अच्छा पंडा छुटाओ, कसूते कसूते लोग हैं, हाँ पता है रामनिवास पहलवान है पंडित जी जसोर खेड़ी से, देखिए मेरे तो पहलवान कह दिया, मैं कहता किसी के लिए भेड़ पड़ू था, अच्छा ना कर रखी है। चलो तो ईब तो नू देखना राजनीतिक पहलवान कौन बनेगा बहादुरगढ़ विधानसभा पे,
पल पल की खबर का तरफ बने रही हो मेरे गल मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। और एक बार सुनो था तो इनकी जय बोलो और मैं बोलवाऊंगा हरियाणा की जय हरियाणा। तेज आन तो आप ही बोलो नेता जी जय हरियाणा जय हरियाणा। और राजनीति वाले ने जातिवाद का जहर घोल रखा है, मैं कहूंगा जातिवाद तोड़ो तो हम कहियो भाईचारा जोड़ो। जातिवाद तोड़ो जातिवाद तोड़ो जातिवाद तोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देसी रेड में मेरे जुड़े। मैं उधारा देसी पत्रकार करमू जय हरियाणा ठोको सेर।